नहीं कि वज़रा कह रहे हैं जी उनको पता ही नहीं, हमारे वज़ीरों को नहीं पता कि तहरीक पाकिस्तान में उलमा का क्या काम था। वो कह रहे हैं मौलवियों का कोई काम नहीं पाकिस्तान की मुखालफत की, हालांकि उलमा ने तो बनाया। अब अगर कोई एक आलम जमात अली शाह से शुरू हो जाए, मौला अब्दुल अहमद बदायूनी से शुरू हो जाए, पीर पगाड़ा, पीर बरचुंडी, पीर जकोड़ी, एक एक गिनते चले जाए सारे, ये सियाल शीफ वाले जो है आपके बुजुर्ग, ये सारे तरीके पीर मेल शाह गोलड़ी, ये ना होते तो पाकिस्तान कैसे बनता जी? मुहद्दस को छोड़ 40,000 मशायख थे जनाब बनारस सुन्नी कॉन्फ्रेंस में। हाँ जी, लेकिन देखें आप परसों जो मिनिस्टर का बयान, अब अगर कोई पूछे अगर कोई एक आलिम किसी मकतबा फिक्र का खिलाफ है तो क्या सारे सियासतदान पाकिस्तान के हक में थे? हाँ। जो बाद में छोटे सिक्के जो इक्तदार के मजे लूट रहे हैं, क्या सारे शायर पाकिस्तान के हक में थे? क्या सारे मुफक्कर पाकिस्तान के हक में थे? सारे साफी पाकिस्तान एक खास तबका बहुत महदूद महदूद जो कांग्रेस के हाथ बिका हुआ था उन्होंने मुखालफत की जी, और वो बकायदा ऑफर करते रहे कायदे आजम को कि आप पैसे दे दे जितने मिलाई वो देता है। मुनव्वर मिर्ज़ा मरहूम कहा करते थे कि उस वक्त बर्रे सगीर का एक भी रूहानी वजूद ऐसा नहीं था जो तहरीके पाकिस्तान के साथ नहीं था। ये सही बात है, तमाम रूहानी जो थी, ये तो सब्जेक्ट मेरा तो है ही लेकिन तनोली का ज्यादा है जी। तनोली साहब ये बताए ना, रूहानी जितनी कुव्वतें जितनी शख्सियतें थी वो सारी कायदे आजम के पीछे थी और ये इन्होंने बनाया पाकिस्तान जी। गाइसा बिल्कुल ऐसा ही है, उलमाए कराम के किरदार के बगैर तो पाकिस्तान का वजूद में आना नामुमकिन था। औलिया और उलमा, औलिया क्योंकि उलमा तो होते ही औलिया है। हाँ, सही बात, हकीकतन तो है ही वो, और गाइसा उसी का असर था। देखें उलमा का मुस्लिम लीग का हिस्सा होना ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का और कायदे आजम का हिस्सा होने का असर था। कायदे आजम की कोई पॉलिसी स्टेटमेंट इस्लाम के खिलाफ या सेकुलर मिजाज की नहीं है, कोई पॉलिसी स्टेटमेंट। अलामा इकबाल कादरी ऐसे क्या, और कायदे आजम मुजद्दद अलबसारी जो है उनके खानदान हजरत मुजद्दद, इनके जो बड़े थे कायदे आजम के हजरत मुजद्दद पाक ने मुसलमान किया था। अल्लामा इकबाल मुजद्दद ही आपने आपको लिखते कहते थे। अल्लामा इकबाल ने सही सुलेमान नदवी के नाम खत में लिखा हुआ है कि मैं सिस्टर कादरिया में बैठ खुद अपने उनकी अपनी तारीख है, कोई उसमें शक वाली बात नहीं। अच्छा, जिस तरह उन्होंने जोर से सकरैन का जिक्र किया शेखुल अरब वल अजम कुरान सुना कर दम लेना, अब रुकना नहीं अब थमना नहीं, फिरदौस में जाकर दम लेना आफा।